हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉम वेलकम टू एलके एकेडमी। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम। सो वेलकम यू ऑल टू आर करंट अफेयर्स लेक्चर्स। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू योर प्रीवियस करंट अफेयर्स लेक्चर्स। टुडे वी विल स्टार्ट विथ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल ट्रीटी और मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली अमेंडमेंट अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब देखिए, बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो आज से कुछ सालों पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, किगाली अमेंडमेंट क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कम करके हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बढ़ाया, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है एंड देर आर मल्टीपल अदर लॉसेस दैट वी हैव अकर्ड। तो उसकी वजह से कुछ सालों पहले किगाली अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें ये कहा गया दैट नाउ द वर्ल्ड नीड टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन विच इज़ नोन एज HFCs। So recently the Union government approved the ratification of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol on phasing down climate damaging refrigerant hydrofluorocarbons. It comes close to the heels of similar decision by the United States and China and the world's largest producers. Okay, so US and China are one of the world's largest producers of HFCs and also consumers of HFCs. 122 countries had ratified the Kigali Amendment by the end of July 2021. Okay, now basically क्या है HFC, क्यों उसको कम करने की ज़रूरत है, that we need to know. So why it was needed? तो HFC को curb करना, HFC के usage को curb करना क्यों ज़रूरी था? So HFCs that is climate damaging refrigerants. रेफ्रिजरेंट्स का मतलब क्या है? जो आपके रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, किसी भी कूलिंग डिवाइस में जो यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज रेफ्रिजरेंट्स। सो HFCs, द क्लाइमेट डैमेजिंग रेफ्रिजरेंट्स आर यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, फोम एंड एरोसोल्स एज रिप्लेसमेंट फॉर मैनी ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो HFC ओजोन डेप्लीशन नहीं कर रहा है, बट HFC दूसरे मल्टीपल इश्यूज क्रिएट कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वॉज क्रिएटिंग द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन आर बींग फेज्ड आउट अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987। फेजिंग आउट ODS इज एन इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोफेरिक ओजोन लेयर। Stratospheric ozone layer filters out harmful ultraviolet radiation which is associated with increased prevalence of skin cancer and cataracts. तो अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कम नहीं करते in 1980s, so that would have increased the ozone layer depletion, ozone layer को वो बिगाड़ते जाता, उसमें होल करते जाता, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेंट जो रेज है उसको हम रोक नहीं सकते, विच इज़ दी हाइएस्ट कॉज और विच इज़ दी मेजर कॉज फॉर स्किन कैंसर एंड कैटेरेक्ट्स। तो अब देखिए, CFC का इस्तेमाल हमने कम कर दिया एंड ओजोन लेयर इज़ नाउ वेल एंड गुड, बट CFC को हमने रिप्लेस किया HFC से, विच हैज़ इन्वाइटेड मल्टीपल अदर इश्यूज़। So HFC is not ODS, but its global warming potential is thousand of times that carbon dioxide. तो HFC ने global warming के लिए काफ़ी worst condition हमारे सामने ला के खड़ी कर दी है। So the global community now wanted to use the HFCs also to be curbed under Montreal Protocol. Agreement in Kigali is meant to amend the Montreal Protocol to bring the HFCs phase down within the ambit. तो Montreal Protocol था, उसी के अंडर एक किगाली अग्रीमेंट के ऊपर अग्रीमेंट बना, किगाली अमेंडमेंट के ऊपर अग्रीमेंट बना, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आने वाले कुछ सालों में टिल 2047 जो टोटल HFC का जो यूसेज है दैट विल बी फेज्ड डाउन टू 80%। तो 80% तक उसके यूसेज को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, ये डिसाइड किया गया। नाउ व्हाट इज़ अग्रीड? सो अग्रीड टू एन अमेंडमेंट टू इंक्लूड HFCs फेज डाउन अंडर MP, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राइट?
अनलाइक पेरिस अग्रीमेंट एमपी इज लीगली बाइंडिंग, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज लीगली बाइंडिंग टू द जिस कंट्रीज ने उसको लीगली रेटिफाई किया है उनके लिए. इट एंटर्ड इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019. creates three categories of countries with different schedules and timetables for reduction. So developed countries like US, Japan, उनके लिए अलग गोल है. Developing countries like China, South Africa, उनके लिए अलग गोल है. और other developing countries जो जैसे कि India, Pakistan, Iran, Iraq, उनके लिए अलग गोल है. Okay, so basically क्या किया जाएगा कि भाई 2036 तक 85%, 2045 तक 80% एंड 2047 तक 85% जो HFC है उसको क्या किया जाएगा, फेज आउट किया जाएगा. फ्रीजिंग ईयर इज़ द ईयर व्हेन यूज़ ऑफ HFCs विल पीक बिफोर बीइंग रैपिडली स्केल्ड डाउन एंड फाइनली फेज्ड आउट ऑल टुगेदर. बेसलाइन ईयर्स आर द ईयर फॉर विच द एवरेज प्रोडक्शन और कंजप्शन क्वांटिटी ऑफ द HFCs इज टेकन एज द अपर लिमिट, सो इट सर्व्स एज अ लेवल. ओके, इंडिया के लिए क्या गोल है वी विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स. सो द यूनाइटेड USA, चाइना एंड इंडिया आर इन अ सेपरेट ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज विथ डिफरेंट टाइम स्केड्यूल्स टू फेज आउट देयर HFCs एंड रिप्लेस देम विथ क्लाइमेट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स. इंडिया हैज़ टू रिड्यूस इट्स HFCs यूज बाई 80% बाई द ईयर 2047, while China and the United States have to achieve the same target by the year 2045 and 2034 respectively. India will complete its phase down of HFCs in 4 steps from 2032 onwards with a cumulative reduction of 10% in 2032, 20% till 2037, 30% in 2042 and then 80% in 2047. Amendments to the existing legislation framework, the ozone depleting substances rules to allow appropriate control of the production and consumption of hydrofluorocarbons to ensure compliance with the Kigali Amendment will be done by mid-2024. 2024 तक जो framework है that would be ready. Background क्या था? So in 1989, Montreal Protocol is not a climate agreement. It is instead aimed at protecting the earth from ozone depleting substances like chlorofluorocarbons that were earlier used in the air conditioning and refrigerant industry. The widespread of CFCs had caused a hole in the ozone layer of the atmosphere which allowed some harmful radiation to reach the earth. These radiations were considered potential health hazard क्योंकि उससे skin cancer और cataract जैसी बीमारियों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी. So the Montreal Protocol led to the replacement of CFCs with hydrofluorocarbons which do not destroy the ozone layer. तो 1989 का जो Montreal Protocol था that was more focused on the ozone layer depletion. तो हमने क्या किया, CFC क्योंकि उसका cost था, हमने CFC को replace कर दिया with hydrofluorocarbon. But after few years when we started using HFCs exclusively, but they were later found to be extremely potent in causing global warming. तो एक इश्यू को हमने सॉल्व कर दिया बट दूसरे बड़े इश्यू को हमने इन्वाइट कर दिया. सो द HFCs solved one problem but were contributing in a major way to another. But this could not be eliminated under the original provisions of Montreal Protocol, which was meant to phase out ODSs only, ozone depletion substances. The Kigali Amendment enabled the Montreal Protocol to mandate the elimination of HFCs as well. So in October 2016, with the United States leadership, 197 countries adopted an amendment to phase down the HFCs under the Montreal Protocol in Kigali, the country of रवांडा. क्या है किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो किया गया? सो ये कोई नया प्रोटोकॉल नहीं है इसको, क्योंकि इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस एंड सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक और चीज़ जोड़ी गई. सो द किगाली अमेंडमेंट एम्स फॉर द फेज डाउन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाय कटिंग देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. द गोल इज़ टू अचीव ओवर 80% रिडक्शन इन HFC कंजप्शन बाई 2047. तो सारे कंट्री के लिए जो फाइनल गोल है दैट इज सेम.
Given their zero impact on the depletion of the ozone layer, HFCs are currently used as replacement of CFCs in air conditioning, refrigeration, and foam insulation. However, they are powerful greenhouse gases. Okay, so developed countries will reduce HFC consumption beginning in 2019. तो USA और जापान जैसे countries जो है, हमने जो आगे date देखा तो 2019 से उन्होंने अपना जो HFC का reduction है वो start कर दिया है. Most developing countries will freeze consumption in 2024 and some developing countries including India with unique circumstances will freeze consumption in 2028. तो हम 2028 से अपना जो काम है HFCs reduction का वो start करेंगे. The plan also provides financing to certain countries to help them transition to climate friendly alternatives. With the Kigali Amendment, the Montreal Protocol has become even more powerful instrument against global वार्मिंग. और जैसे कि मैंने पहले बताया कि पेरिस अग्रीमेंट इज नॉट लीगली बाउंडेड बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज लीगली बाउंडेड. सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट इश्यू फॉर अस. सिग्निफिकेंस क्या होगा? सो द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इज क्रूशियल टू अचीविंग द लार्जेस्ट ऑफ रिस्ट्रेनिंग द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स टू 2 degrees Celsius फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स. As pointed out by recent report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the average temperature of the planet has already risen by about 1.1 degree Celsius. The collective action is expected to prevent emissions of up to 105 million tons of carbon dioxide equivalent of greenhouse gases, to avoid up to 0.5 degree Celsius of global temperature rise by 2100 while continuing to protect the ozone layer. तो देखिए 0.5 डिग्री सेल्सियस को बचाने के लिए वी व्हाट मेजर टास्क वी नीड टू कंप्लीट. बिकॉज HFCs वर नॉट ओजोन डेप्लीटिंग, दे वर नॉट कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दे वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लमेटिक ग्रीन हाउस गैसेज हुज एमिशंस आर सॉट टू बी कर्टेल्ड थ्रू क्लाइमेट चेंज इंस्ट्रूमेंट्स सच एज क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एंड पेरिस अग्रीमेंट 2015. बट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज बीन अ फार मोर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल अग्रीमेंट देन द क्लाइमेट चेंज इंस्ट्रूमेंट्स एंड दैट्स वाई वी हैव अमेंडेड द किगाली अग्रीमेंट. It has already resulted in a phase out of 98.6% of ozone depleting substances. The remaining 1.4 are the HFCs that are in the process of being transitioned. So, देखिए 98% CFCs को हमने already we have remove कर दिया है. बाकी का जो है 1.4% उनको भी HFCs से replace किया जाएगा. So, ये हो गया उसका significance. सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या होगा? सो इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डेप्लीट द ओजोन लेयर इन जून 1992 एंड सिंस देन इट हैज रेटिफाइड द अमेंडमेंट्स टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. इंडिया हैज सक्सेसफुली मेड द फेज आउट टारगेट्स ऑफ द ऑल द ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस एज पर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्केड्यूल. सो हमने टाइम पे जो स्केड्यूल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उसको हमने अचीव कर लिया है. नाउ वी आर नॉट यूजिंग CFCs इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग एंड अदर कूलिंग डिवाइसेस. वी आर यूजिंग HFCs नाउ. इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ कूलिंग एक्शन प्लान इन 2019. This comprehensive plan is aimed at reducing cooling demand, enabling refrigerant transition, enhancing energy efficiency and better technology options with a 20-year time horizon. The signing of Kigali Amendment is a cue for the market to make a faster transition from HFCs to cleaner gases. तो सारी जो private firms है जो India में operate करती है उनको भी ये बता दिया गया है, उनको भी ये indication गया है that now they need to replace HFCs with the cleaner gases जो कि environment को harm ना करते हो. It would boost domestic manufacturing and employment generation goals. The ratification would signify that India is ready to compete in the market for low global warming potential refrigerants which will spur domestic innovation and attract international investments. The decision would
पेव द वे फॉर इंडिया टू अचीव इट्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन गोल्स एंड कूलिंग कमिटमेंट्स. इंडिया इज अमॉन्ग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑन ट्रैक टू मीट इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस अग्रीमेंट. तो इंडिया रिगरसली पेरिस अग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस दैट हम बाकी के जो ग्लोबल वार्मिंग या जो अनदर एनवायरमेंट रिलेटेड अग्रीमेंट्स है उनके गोल्स को भी टाइमली फिनिश कर पाए. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में. हमें जानना है कॉलेजियम सिस्टम क्या है. सो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस और उनके ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग जो सिस्टम बनाया गया है दैट इज़ नोन एज कॉलेजियम सिस्टम. कॉलेजियम सिस्टम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा. कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज इन 1992 आवर जुडिशियरी हैज़ एस्टाब्लिश्ड इट्स ओन सिस्टम टू सिलेक्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जस्टिसेस. ओके, तो उसको नाम दिया गया है कॉलेजियम. व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स. सो रिसेंटली कॉलेजियम हिस्ट्री में पहली बार 9 जजेस को एक साथ रिकमेंड किया गया और उन 9 जजेस को एक साथ शपथ दिलवाई गई. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम लेड बाय चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट 9 नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जजेस. तो देखिए कॉलेजियम कमेटी में टोटल 5 मेंबर्स होंगे. चेयरमैन होंगे उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 मेंबर्स जो होंगे दैट विल बी 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. The Collegium has for the first time in one single resolution recommended 3 women judges. तो ये 9 जो appointment दिए गए हैं, 9 जो judges को शपथ दिलवाई गई है उनमें से 3 महिला है. एक महिला गुजरात से भी है जिसका नाम है बेला त्रिवेदी, जज बेला त्रिवेदी. और इस चीज़ से हमें ये पता चलेगा कि आने वाले कुछ सालों में मोस्ट प्रोबेबली इन 2026-27 इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट वुमन CJI. ओके, इंडिया हैज़ ऑलरेडी, इंडिया ने लेडी प्राइम मिनिस्टर, महिला को प्रेसिडेंट बनते देखा है, लोकसभा स्पीकर बनते देखा है, राज्यों की मुख्यमंत्री बनते देखा है, लोकसभा अपोजिशन लीडर बनते देखा है. बट हम आज तक जुडिशियरी की हाईएस्ट पोस्ट पर किसी महिला को नहीं बिठा पाए थे. ये जो डिसीजन लिया गया है उससे वी विल ब्रेक दैट रिकॉर्ड एज वेल. It has thus sent a strong signal in favor of representation of a woman in the highest judiciary. तो highest judiciary में हमेशा ये complaint रहती थी कि महिलाएँ नहीं हैं, अब उसके लिए एक strong message भेजा गया है. कॉलेजियम सिस्टम क्या है? सो इन द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस दैट हैज़ इवॉल्वड थ्रू द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ना इसको पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आपको प्रोविजन मिलेगा जहाँ पर आपको कॉलेजियम का जिक्र दिखेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक्सपीरियंस से, अपने ही जो उनके यहाँ पे जो केसेस आए थे उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम बनाया है. कैसे कॉलेजियम सिस्टम लाया गया? तो ये सिस्टम लाया गया पहली बार 1981 में फर्स्ट जजेस केस से. सो फर्स्ट जजेस केस में जो वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इट डिक्लेयर्ड दैट द प्राइमेसी ऑफ द CJI's रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कोजेंट रीजंस. द रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमरी ओवर द जुडिशियरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स. तो 1981 से लेकर 1993 तक हमने सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के CJI के जो रिकमेंडेशन थे उसके ऊपर हमने फॉलो किया. सेकेंड जजिस केस आया 1993 में जिसमें ये कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी इंट्रोड्यूस की. सो सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉलेजियम सिस्टम होल्डिंग दैट कंसल्टेशन रियली मेंट कॉन्करेंस. इट एडेड दैट इट वाज नॉट द CJI's इंडिविजुअल ओपिनियन बट एन इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द 2 सीनियर मोस्ट जजेज इन सुप्रीम कोर्ट. तो 1993 में 3 जजेस की एक कमिटी बनाई गई जिसमें चेयरमैन थे CJI और 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. उसको नाम दिया गया कॉलेजियम सिस्टम. 1998 में
प्रेसिडेंट के रेफरेंस पे 3 मेंबर कमेटी को 5 मेंबर कमेटी बनाया गया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की जगह 4 सीनियर मोस्ट जजेस को कॉलेजियम सिस्टम में डाला गया, विच बिकेम द 3rd जजेस केस इन 1998। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट्स रेफरेंस एक्सपांडेड द कॉलेजियम टू 5 मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग द CJI एंड द 4 of his senior most colleagues। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज हेडेड बाई द CJI एंड कंप्राइजेज 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। अ हाई कोर्ट कॉलेजियम इज लेड बाई इट्स चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट। नेम्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाई अ हाई कोर्ट कॉलेजियम रीचेज द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर अप्रूव्ड बाई द CJI एंड द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। ओके, तो देखिए एक ग्राफ याद रख लीजिए। कॉलेजियम कमेटी अपने रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगी। लॉ मिनिस्ट्री को मान लीजिए वो रिकमेंडेशन पसंद नहीं आते हैं, तो लॉ मिनिस्ट्री फॉर 1 टाइम उस लिस्ट को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है। अगर कॉलेजियम सिस्टम चाहे, कॉलेजियम कमेटी चाहे, तो उसमें बदलाव कर सकती है। बट इफ़ कॉलेजियम कमेटी रीसेंड द सेम लिस्ट, देन द लॉ मिनिस्ट्री हैज़ टू मूव इट अहेड और उसको प्रेसिडेंट तक पहुँचाना पड़ेगा। Judges of the higher judiciary are appointed only through the collegium system and the government has a role only after names have been decided by the collegium. तो यहाँ पर government का कोई direct role नहीं है। The government's role is limited to getting an inquiry conducted by the intelligence bureau if a lawyer is to be elevated as a judge in the high court or the supreme court. तो जो background check होगा वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू होगा, गवर्नमेंट का बस इतना ही पार्ट होगा, अदरवाइज देर इज़ नो अदर रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है? सो इट इज़ अ रेप्यूटेड एंड एस्टैब्लिश्ड इंटेलिजेंस एजेंसी। इट इज़ अथॉरिटेटिवली कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट कैन ऑल्सो रेज ऑब्जेक्शंस एंड सीक क्लेरिफिकेशंस रिगार्डिंग द कॉलेजियम्स चॉइसेस। बट इफ द कॉलेजियम रीइटरेट्स द सेम नेम्स, द गवर्नमेंट इज बाउंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट्स टू अपॉइंट देम एज जजेस। ओके, जैसे लोकसभा राज्यसभा से बिल एक बार पास हो गया, प्रेसिडेंट उसको एक बार वापस भेज सकते हैं। दोबारा अगर वो सेम बिल भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना पड़ेगा। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आपको यहाँ बनती हुई दिखेगी। CJI की अपॉइंटमेंट कैसे हो गई? ये तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस खाली जगह है, जो 33 सीटें हैं, 33 सीट्स फॉर सुप्रीम कोर्ट प्लस 1 CJI, उनकी बात की। हाउ CJIs आर अपॉइंटेड? तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द CJI एंड द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। एज फार एज द CJI इज कंसर्न, द आउटगोइंग CJI रिकमेंड्स हिज सक्सेसर। इन प्रैक्टिस इट हैज़ बीन स्ट्रिक्टली बाई सीनियोरिटी एवर सिंस द सप्रेशन कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ द 1970s। तो बेसिकली स्ट्रिक्टली सीनियोरिटी के बेसिस पे जो आउटगोइंग CJI है वो नेक्स्ट CJI का नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते जाएंगे। फॉर अदर जजेस ऑफ द SC द प्रपोजल इज इनिशिएटेड बाय द CJI। द CJI कंसल्ट्स द रेस्ट ऑफ द कॉलेजियम मेंबर्स एज वेल एज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट हेलिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट टू विच द रिकमेंडेड पर्सन बिलोंग्स। द कंसल्टीज मस्ट रिकॉर्ड देयर ओपिनियंस इन राइटिंग एंड इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइल। The collegium sends the recommendation to the law minister who forwards it to the prime minister to advise the president. तो ये पूरा चेन हो गया कि लॉ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी, देन प्राइम मिनिस्टर विल सेंड इट टू प्रेसिडेंट। फॉर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या रिकमेंडेशन है? सो द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिसेस फ्रॉम आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो अगर गुजरात हाई कोर्ट की मैं बात करूँ तो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कभी भी गुजरात हाई कोर्ट का कोई लॉयर नहीं बन सकता, कोई जज नहीं बन सकता। वाई? बिकॉज इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस दैट वी हैव बीन फॉलोइंग इन अवर जुडिशरी। द कॉलेजियम टेक्स द कॉल ऑन द एलिवेशन। कॉलेजियम के पास फाइनल अथॉरिटी है। हाई कोर्ट जजेज आर रिकमेंडेड बाई अ कॉलेजियम कंप्राइजिंग द CJI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। द प्रपोजल हाउएवर इज इनिशिएटेड बाई द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न्ड इन कंसल्टेशन विद द 2 सीनियर मोस्ट कॉलीग्स। द रिकमेंडेशन इज सेंट टू द चीफ मिनिस्टर हु एडवाइजेज द गवर्नर टू सेंड द प्रपोजल टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। अगेन यूनियन लॉ मिनिस्टर उसको आगे पुश करेगा एंड देन द जजेस विल बी अपॉइंटेड। क्रिटिसिजम ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम क्या है? सो
ओपेकनेस एंड अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है अभी भी ये सिस्टम में, देर इज नो पर्टिक्युलर स्पेसिफिक थिंग्स दैट वी नीड टू सी, जस्ट बिकॉज द जजेस आर सीनियर दे आर एलिजिबल फॉर द एलिवेशन एंड दैट इज नॉट करेक्ट। स्कोप ऑफ नेपोटिज्म का स्कोप है यहाँ पे कि हर कोई जजेस अपने पसंदीदा जजेस के एलिवेशन के लिए लॉबिंग कर सकता है, विच इज अगेन नॉट करेक्ट। एम्ब्रॉयलमेंट इन पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सीज, तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है। Overlooks several talented junior judges and advocates. तो ज़रूरी नहीं कि आप सीनियर हो तो आप टैलेंटेड होंगे ही होंगे, बट वी आर फॉलोइंग द सीनियोरिटी पाथ एंड दैट्स वाई सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड जूनियर जजेज आर इग्नोर्ड। अटैम्प्ट टू रिफॉर्म द अपॉइंटमेंट सिस्टम, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ये अटैम्प्ट कर चुकी है। द अटैम्प्ट मेड टू रिप्लेस इट बाई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन थ्रू 1919 अमेंडमेंट एक्ट 2014 वॉज स्ट्रक डाउन बाई द कोर्ट इन 2015 ऑन द ग्राउंड दैट इट पोज्ड अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्रीडम दे रहा है जुडिशियरी को दैट यू कैन बी फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो जुडिशियरी ने इस बिल को यहाँ पर अटका दिया था। सो अगेन दिस वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज हुनर हाट्स। सो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज़ सेट अ टारगेट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू 750,000 आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन थ्रू 75 हुनर हाट्स। सो देश में अलग अलग जगह 75 हुनर हाट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। नाउ व्हाई द नंबर 75, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 75, बिकॉज वी हैव एंटर्ड इन द 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। टू बी ऑर्गेनाइज अक्रॉस द कंट्री द 75 हुनर हाट्स विल बी अ पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड इट विल मार्क द 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। Also, 75 Amrit Mahotsav parks will be constructed on the vacant Waqf lands across the country under Waqf Tarikati scheme and Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. तो देखिए, माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए काम करती है, ओके? तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए, उनको इजीली वो एक्सेस हो सके, उसके लिए हुनर हाट्स को अरेंज किया जाएगा। हुनर हाट इज़ एन एग्जीबिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स मेड बाय आर्टिसंस फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। थीम क्या होगा? तो इसके लिए थीम होगा वोकल फॉर लोकल, ओके? जो कि हमारा पिछले एक डेढ़ साल से हमारा ये थीम चल रहा है, वोकल फॉर लोकल। ऑर्गेनाइजर कौन होगा? सो दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर उस्ताद, दैट इज अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम। द उस्ताद स्कीम एम्स टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ द माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़, ओके? सो देर आर मल्टीपल माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो कि इस तरह से आर्ट के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये हुनर हाट को अरेंज किया गया है। बेसिक एम क्या होगा? दीज हाट्स एम टू प्रोवाइड मार्केट एक्सपोजर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडिशनल कलिनरी एक्सपर्ट्स। इट एनविसेजेस बूस्टिंग द स्किल्स ऑफ क्राफ्ट्समैन वीवर्स एंड आर्टिसंस हु आर ऑलरेडी एंगेज्ड इन द ट्रेडिशनल एंसेट्रल वर्क। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सो हुनर हाट हैज़ प्रूव्ड टू बी एन एम्पावरमेंट एक्सचेंज फॉर मास्टर आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। इसको अब छोटे आर्टिसंस तक भी पहुँचाया जाएगा। इट हैज़ प्रूव्ड टू बी इमेंसली बेनिफिशियल एंड एनकरेजिंग फॉर आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन एज लैक्स ऑफ पीपल विजिट द हुनर हाट एंड परचेज इंडिजीनियस हैंडमेड प्रोडक्ट्स ऑफ आर्टिसंस ऑन अ लार्जर स्केल। More than 5 lakh artisans, craftsmen and people associated with them have been provided employment and employment opportunities in the last about 5 years through Hunar Haat. Next, our topic is which is related to that is National Commission for Minorities. So, National Commission of Minorities काम करता है in the purview with Ministry of Minorities और उसका basic काम है कि government जो policies बनाती है
माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने की वो क्षमता रखती है नहीं रखती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएगी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ देखेगा, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच वॉज मेड अंडर एन एक्ट बाई दी पार्लियामेंट। सो रिसेंटली द दिल्ली हाईकोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर टू नॉमिनेट पर्सन्स टू ऑल द वेकेंट पोजिशंस इन द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बाई 30th September 2021। तो क्योंकि NCM में काफ़ी सारी जगह अभी खाली पड़ी हुई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप 30 सितंबर तक NCM की जो खाली सीट्स है, वेकेंट सीट्स है, उसको भरिए। इसका एक प्री रिक्विजिट है, टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, 7-7 मेंबर्स जो है वो माइनॉरिटीज़ के मेंबर होने चाहिए। कोई हिंदू इसका मेंबर नहीं बन सकता। वाई? बिकॉज हिंदू इज़ मेजॉरिटी इन इंडिया। सो दिस इज़ टू एंश्योर दैट द कमीशन फंक्शंस एफिशिएंटली एंड द पर्पस ऑफ द कमीशन इज एनविसाज्ड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, ऑल्सो फुल्ली गिवन इफेक्ट टू। ओके, सो 1992 में ये एक्ट पास हुआ, NCM एक्ट, और 1993 में ये कमीशन बनाया गया। बैकग्राउंड क्या था? सो इन 1978 सेटिंग अप ऑफ द माइनॉरिटीज़ कमीशन वॉज एनविसाज्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिजोल्यूशन। इन 1984 द माइनॉरिटी कमीशन वॉज डिटैच्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड प्लेस्ड अंडर द न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर विच एक्सक्लूडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फ्रॉम द कमीशन ज्यूरिडिक्शन इन 1988। इन 1992 द इनेक्टमेंट ऑफ द NCM एक्ट 1992 द Minorities Commission became a statutory body and was renamed as the NCM. Now you must be aware about the difference of statutory body and constitutional body. तो जिस दिन हमारा constitution applicable हुआ, apply हुआ, that is 26th January 1950, उस दिन जिन जिन agencies के बारे में, जिन commission के बारे में उसमें लिखा गया था, those are constitutional bodies. और जैसे जैसे हम देश चलाते गए, वैसे वैसे हमें ज़रूरत होती गई जिन कमीशन्स की, जिन एजेंसीज़ की, उनको हमने पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनाया, जिनको हम कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। सो फॉर एन एग्जांपल, योर इलेक्शन कमीशन इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड योर माइनॉरिटीज़ कमीशन और NCPCR इज़ योर स्टैट्यूटरी बॉडी। सो इन 1993 द फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन वॉज सेटअप एंड 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिक्स बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियंस और पारसीज वर नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। नाउ वी हैव 6 माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, दोज आर क्रिश्चियन, सिक्स बुद्धिस्ट, मुस्लिम एंड जोरास्ट्रियंस। उसके साथ 2014 में जैन्स वर ऑल्सो नोटिफाइड एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो 2014 के को मिलाकर आफ्टर 2014 वी हैव नाउ 6 माइनॉरिटीज़। कॉम्पोजिशन क्या है? सो NCM कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स एंड ऑल ऑफ देम शैल बी फ्रॉम अमॉन्ग्स द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। टोटल ऑफ 7 पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट पर्सन्स ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। टेन्योर कितना होगा? सो ईच मेंबर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑफिस। ओके, तो उनका माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना इज नेसेसरी। बेसिक फंक्शन क्या है उनके? सो माइनॉरिटी ऑफ द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन लॉज अनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। Ensures that the Prime Minister's 15-point program for the welfare of minorities is implemented and the programs for minority communities are actually functioning. Making recommendations for the effective implementation of safeguards for the protection of the interest of minorities by the central or state governments. Looking into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of minorities and taking up such minorities, such matters with the appropriate authorities. Investigates matter of communal conflict and riots. For example, the 2011 Bharatpur communal riots as well as 2012 Bodo Muslim clashes in Assam were investigated by the commission and their findings were submitted to the government. तो अगर कोर्ट को भी कभी लगता है, सुप्रीम कोर्ट्स को या हाई कोर्ट्स को, that inputs from NCM is required, तो NCM को इस काम पे लगाया जाएगा जब ऐसे कोई violation of minority rights का कोई cases उनके against में आएगा।
ऑब्जर्व द माइनॉरिटी राइट्स डे एवरी ईयर ऑन 18th of September, विच मार्क्स द अडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू द नेशनल और एथनिक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बाई द यूनाइटेड नेशंस 1992. तो 18th December को हम माइनॉरिटीज राइट्स के तौर पर मनाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़. तो देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये बोला गया है कि आप किसी भी धर्म जात पात से हो, आपको सारे राइट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे. दैट इज़ द बॉटम लाइन. उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट और कोर्ट की होगी. सो द NCM एक्ट डिफाइंस अ माइनॉरिटी एज अ कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को लेकर देर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन. जब जब समय आने पर गवर्नमेंट जिस सोसाइटी को या जिस ग्रुप को माइनॉरिटी बनाना चाहे बना सकती है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड 6 रिलीजियस, नेमली मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस 6, बुद्धिस्ट एंड पारसीज एंड जैन्स एज रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004. सो इट गिव्स माइनॉरिटी स्टेटस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ 6 रिलीजियस कम्युनिटीज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. अ रीसेंट रिपोर्ट बाय NCPR हैज़ हाईलाइटेड दैट डिसप्रपोर्शनेट नंबर ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और डोमिनेंस ऑफ नॉन माइनॉरिटी कैटेगरी इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस. In term, minority is not defined in the Indian Constitution. However, the Constitution recognizes the religious and linguistic minorities. Why? Because our entire nation was built on the religious minority basis. क्योंकि पाकिस्तान अलग होना चाहता था, उसी से ये minority का concept हिंदुस्तान में आया था. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मलाबार एक्सरसाइज 2021. गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट important naval exercises or let's say joint exercises in the entire world. तो basically ये जो exercise है वो quad countries के बीच में होगी. quadrilateral security dialogue जिसकी establishment 2007 में की गई थी और उसको revive 2017 में किया गया था. तो basically ये जो संगठन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, वो बनाया ही इसीलिए गया था ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके. तो चाइना को काउंटर करने के लिए जो बड़ी 4 इकोनॉमीज़ है दुनिया की, वो एक साथ में आई है. बड़े 4 इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज साथ में आए हैं. सो रिसेंटली द नेवीज़ ऑफ द क्वाड नेशंस दैट इज़ इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया हैव पार्टिसिपेटेड इन द 25th एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज विच बिगेन ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम इन द पैसिफिक ओशन. तो देखिए, यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है गुआम आइलैंड, जस्ट राइट अबव द ऑस्ट्रेलिया. गुआम आइलैंड जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो USA के पास है, तो उसके नज़दीक के कोस्ट में ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई, विच इज़ अ नेवी एक्सरसाइज. सो गुआम इज़ अ US आइलैंड टेरिटरी इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन विच इज़ मच क्लोजर टू चाइना इन द ईस्ट देन द US मेनलैंड इन द वेस्ट, मेकिंग इट एट द आइडियल US मिलिट्री स्ट्रेटेजिक आउटपुट फॉर इंडो पैसिफिक ऑपरेशंस. तो ये चाइना के नज़दीक है और चाइना को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया था. क्या है मालाबार एक्सरसाइज? सो इट इज़ अ मल्टी लेटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज दैट वॉज स्टार्टेड इन 1992. इट बिगेन एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड द USA. तो 1992 में इंडिया और USA नेवी के बीच एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था, विच लेटर बिकेम मल्टी नेशन एक्सरसाइज और मल्टी लेटरल एक्सरसाइज. सो टू मोर एडिशंस ऑफ द एक्सरसाइज वर कैरिड आउट इन 1995 एंड 1996, आफ्टर विच देर वॉज अ ब्रेक अंटिल 2002 इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट. फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड द एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड एवरी ईयर. तो इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ एवरी ईयर. जापान एंड ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन 2007 एंड सिंस 2014 इंडिया, US एंड जापान हैव पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज एवरी ईयर. तो 2014 से जापान भी इसका हर साल हिस्सा रहा है. In 2020, Australia joined the Malabar exercise on India's request in order to contain China in the Indo-Pacific region. For the first time in over a decade, Malabar 2020 saw the participation of all 4 Quad members. तो
2020 में पहली बार सारे क्वाड मेंबर्स एक साथ दिखे किसी जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हुए, देन अगेन इन 2021 द सेम चीज़ हुई। इट इज़ एम्ड टू सपोर्ट फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड रिमेन कमिटेड टू रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो देखिए, चाइना जो साउथ चाइना सी में अपना अग्रेशन दिखा रहा है, जो उसके आसपास के जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है उनको टारगेट किया जा रहा है, और चाइना धीरे धीरे अपना एरिया जो मैरीटाइम इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर है उसको, उसके लॉज को वायोलेट करके चाइना इज़ अग्रेसिवली कैप्चरिंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इन साउथ चाइना सी टू काउंटर दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। ये चार नेशन एक साथ में आते हुए हमें दिखे हैं। मालाबार 2021 के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्वाड इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड अपेरेंटली एम्स टू फ्राइटन चाइना। इट इज़ बींग होस्टेड बाई द यूनाइटेड स्टेट्स दिस टाइम। हर साल कोई ना कोई कंट्री से होस्ट करेगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो पहले तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारा बढ़ेगा। तो सच कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज हैव फर्दर एनहांस्ड सिनर्जी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द फोर नेवीज इन अंडरटेकिंग अ जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड विल गो अ लॉन्ग वे इन फ्यूचर स्ट्रेंथनिंग देयर ऑलरेडी क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सस्टेनेबल इंडो पैसिफिक कोएलिशन, सो अ मेजर स्टेप towards building a sustainable Indo-Pacific coalition, thereby addressing the massive strategic imbalance generated by an economically and military powerful China. तो चाइना के सामने लड़ने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ को साथ में आना पड़ेगा। जापान या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया अकेला चाइना के साथ फाइट करने के लिए केपेबल नहीं है। Those armies, those navies has to come together and then they need to fight China or they need to frighten China. There is a consensus among many major liberal democracies that China threatens the international system, liberal societies and a rule-based regime. तो चाइना जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज है उसको मानने के लिए रेडी नहीं है, एंड दैट्स वाई जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज है वो साथ में आ रही है दैट वी नीड टू कंट्रोल चाइना और अवर ओन। पीस थ्रू सी, तो जब ऐसी मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है तो एक तरीके से इट्स अ पीस प्रोसेस एज वेल, ताकि आसपास के रीजन में पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके। सो इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस दैट इंडिया यूएस टाइज इम्प्रूव्ड इन द मिड 2000। चाइना वॉज बेटर बिहेव्ड। इट इज़ ओनली विथ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड पार्टनरशिप सच एज वन दैट इट विल बी मैनिफेस्टेड इन द मालाबार एक्सरसाइज दैट इंडिया कैन ब्रॉडन इट्स ऑप्शंस विथ चाइना। द रोड टू पीस इज द माउंटेन्स मे लाई थ्रू द सी। ओके, तो सी एक्सरसाइजेस के थ्रू हम चाइना को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अदर एक्सरसाइजेस विद क्वाड कंट्रीज, तो हम अलग अलग एक्सरसाइजेस जापान के साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं एंड यूएसए के साथ करते हैं। सो इंडिया जापान के बीच जिमेक्स नाम की नेवल एक्सरसाइज होती है, शिनयू मैत्री नाम की एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है एंड धर्म गार्डियन नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज वी परफॉर्म। यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास नाम की आर्मी एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड सम अदर जॉइंट एक्सरसाइजेज लाइक स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग एंड कोप इंडिया ऑल्सो वी परफॉर्म। यूएसए हमारा काफ़ी स्ट्रांग, यूएसए एंड रशिया बोथ आर अवर वेरी स्ट्रांग डिफेंस अलाइज, डिफेंस पार्टनरशिप इन कंट्रीज़ के साथ हमारी काफ़ी स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइजेज ओसिंडेक्स, अदर एक्सरसाइजेज ऑस्ट्रा हिंद एंड पिच ब्लैक, और एक होती है पैसेज एक्सरसाइजेज जो है पैसेक्स, जो कि एक बहुत बड़े लेवल की मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है जिसमें एक से ज़्यादा नेशन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बात हो गई मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। कुछ बात करेंगे क्वाड के बारे में, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 2007 में। सो इट इज़ अ फोर नेशन अलायंस ऑफ इंडिया एंड इट इज़ स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर डिफेंस टाइज। ओके, तो उसका जो मेन पर्पज़ है दैट इज़ डिफेंस ओनली। It is a four nation alliance of India, Australia, US and Japan, which was established in 2007. The idea of Quad was first mooted by former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. जापान को लेकर एक बहुत बड़े न्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं कि शिंजो आबे ने पिछले साल नवंबर 2020 में रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद उनके कैबिनेट मिनिस्टर योशिहिदे सुगा बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। रिसेंटली दो दिन पहले ये न्यूज़ आए हैं कि योशिहिदे सुगा भी अपना रेजिग्नेशन टेंडर करेंगे
और बाई 30th of September जापान को अपने नए प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे। तो आपको अपनी नोट्स में ये चीज़ भी लिखनी है कि एक ही साल में जापान को तीसरे नए प्राइम मिनिस्टर मिलने वाले हैं। इट इज़ ऑफन डब्ड एज एन एशियन और मिनी नाटो, दैट इज़ नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज़ व्यूड एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक क्लाउड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो देखिए, साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना क्यों कब्जा करना चाहता है? बिकॉज साउथ चाइना सी इज़ अ लार्ज सोर्स एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सोर्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स से चाइना अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको आने वाले 100-150 सालों के लिए एड्रेस कर सकता है। एंड दैट्स वाई चाइना इज़ अग्रेसिवली फाइटिंग इन साउथ चाइना सी, और वो इंटरनेशनल मेरीटाइम लॉ को वायोलेट कर रहा है, विच नीड्स टू बी स्टॉप्ड। सो इंटरेस्टिंगली, द क्वाड विच यूज टू बी नोन एज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज़ नाउ नोन एज द क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क टू इंडिकेट इट हैज़ गॉन बियॉन्ड अ नैरो सिक्योरिटी डायलॉग। तो 2017 तक जब वो रिवाइव हुआ तब तक इट वॉज जस्ट अ मेरे सिक्योरिटी डायलॉग। उसके बाद 2019 में जब अगेन क्वाड की मीटिंग हुई, होने लगी रेगुलरली, तब उनके लीडर्स ने ये डिसाइड किया दैट नाउ वी नीड टू गो बियॉन्ड द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, एंड नाउ द नेम हैज़ बीन चेंज्ड टू क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी वाइल प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर्स, प्लीज़ लेट अस नो सो दैट वी कैन इंस्टेंटली एड्रेस योर डाउट्स। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।